कानड़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम कलमोई में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने रात्रि गश्त कर रहे ग्रामीण पर गश्त के दौरान बंदूक से फायर कर दिया। वर्षा काल में मवेशी की चोरियों की रोकथाम के लिए ग्रामीणों द्वारा टोली बनाकर प्रतिदिन रात्रि गश्त की जाती है। शनिवार रविवार की रात्रि में लक्ष्मी नारायण राठौर के बाड़े में चोरी की नियत से बदमाश आए हुए थे। इस दौरान गश्त कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिससे हरि नारायण शर्मा हाथ में गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में मौके पर तड़पता रहा। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़ते हुए आए और तुरंत घायल शर्मा को कानड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां सुविधा होने के कारण तुरंत आगर ले जाया गया, लेकिन आगर में भी व्यवस्था नहीं होने के कारण उज्जैन रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार कर स्थिति गंभीर होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। फायर के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर धारा 307 में मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात बदमाशों पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीएस डेटा उठाकर आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। गिरिराज राठौर, कमल राठौर, देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गंभीर घटना के बाद गाँव में दहशत एवं पुलिस प्रशासन से वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। आप देख रहे हैं कानड़ आगर मालवा से आचार्य मुकेश बी जापारी की रिपोर्ट। गश्त लगा रहे थे तो इनमें हरिनारायण जी शर्मा करके जो ये हैं, इनके पिताजी का नाम शिव नारायण जी शर्मा है, ये रात को गश्त गए हुए थे। साथ में मुकेश जी थे, पवन जी टेलर थे, मोहनलाल जी शर्मा थे। ये चारों पांचों गश्त पर जा रहे थे और जब इन्होंने जो हरिनारायण जी शर्मा है, इन्होंने देखा कि तीन लोग छाव में खड़े हैं, तो इन्होंने सोचा कि मेरे साथ का साथी पवन टेलर जो खड़ा है, तो इन्होंने वहाँ जाकर, पवन भाई तू यहाँ क्या कर रहा है यार, मेरे से पहले कैसे आ गया? तो वो चोर जो भैंस निकाल रहे थे खड़े थे, वो समझे कि यार इन्होंने अपने को देख लिया, भागो, तो भागने लगे। तो इन्होंने बोला कि चोर चोर चोर, तो इतने में चोर भाग लिए वहाँ से और उन्होंने